एक बार एक आदमी का नाम था मच्छरदास। उसकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, हमेशा पति के पीछे लगी रहती थी कि कब इसको नीचा दिखाऊं, कब इसको नीचा दिखाऊं। काम अधिक लेती थी उससे, लेकिन फिर भी उसकी बेइज्जती के चक्कर में रहती थी, कब किस प्रकार मैं इसकी बेइज्जती अधिक करूं। एक बार उस नगरी के राजा के पांव में फोड़ा निकला। उसने अपने पहरेदार संतरी भेजे, जाओ भी किसी वैद्य को बुला के लाओ। वैद्य कोई था नहीं, ढूंढते ढूंढते उसी नगरी में आए और महिला से पूछा, यहाँ कोई वैद्य है? बोला, हाँ हम वैद्य है। अपने पति की ओर इशारा करते, वो हल चला रहे हैं ना, वो वैद्य है। शुरुआत में वो मना करेंगे, मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन आप पकड़ के ले ही जाना उसको, आप उसको पकड़ के ले ही जाना। संतरियों ने, पहरेदारों ने ऐसा ही किया। बेचारा मच्छरदास मना करता रहा, मुझे कुछ आता नहीं, मैं वैद्य नहीं, लेकिन राजा के सिपाही उसको पकड़ के ले ही गए। राजा के सामने जाते ही राजा ने कहा कि मेरा फोड़ा निकला हो, मेरा फोड़ा ठीक करो। अब क्या करें मच्छरदास, मजबूरी थी लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी, पता तो उसको लग ही गया था ये सब पत्नी का करा धरा है। मच्छरदास एक बगिया में गया और वहां से घास फूस तोड़ी और उसको रगड़ा और उस फोड़े पे लेप लगा दिया। राजा ने कहा कि जब तक मैं ना कहूं तुम यहीं रहना, ये बगिया आपका स्थान है और यहीं रहना। दो दिन बाद, तीन दिन बाद राजा का फोड़ा ठीक हो गया। निष्ठा थी कि राजा के फोड़े को ठीक कर दे। राजा बड़ा खुश हुआ। मच्छरदास से मिलने गए बगिया में तो एक बार फिर राजा ने कुछ हाथ में पकड़ लिया और मच्छरदास से पूछा कि क्या है इसमें, मेरे हाथ में क्या है, वैद्य जी बताओ। अब मच्छरदास कहने लगा, अब मैं क्या बताऊंगा, मुझे मालूम नहीं कि इसके हाथ में क्या है, राजा के हाथ में क्या है, मैं क्या बताऊं। लेकिन अपने मन ही मन कहने लगा कि फंस गया मच्छरदास। मच्छरदास की आवाज जैसे ही राजा के कानों में पड़ी तो राजा बड़ा खुश हुआ, हाँ तुम तो दूरदृष्टि हो, तुम्हें तो पता रहता सब, मेरे हाथ में मच्छर है, चलो आज से तुम मेरे दरबार में रहो, आज से तुम घर मत जाना, मेरे दरबार में रहो, महल में ही रहो। दरबार के उनको मंत्री बना दिया। अब सारे मंत्री जलने लगे। मच्छरदास सीधा साधा आदमी, भगवान पर विश्वास करने वाला। सारे दरबारी कहने लगे कि एक खास दिन है, उस दिन अगर कोई राजा को गद्दी से उतार के नीचे डाल देगा तो राजा बड़ा खुश होता है और बहुत उपहार देता। सारे मंत्री संतरी उसको दरबार से निकालने की चेष्टा करते थे, उसकी बेइज्जती करना चाहते थे, लेकिन जिसके सर पे हाथ हरि का उसकी इज्जत कौन बिगाड़े, उसकी इज्जत कौन बिगाड़े। सबने कहा कि कल का वो दिन है जिस दिन आप राजा की गद्दी से राजा को हाथ पकड़ के खींच के और बाहर फेंके। राजा बड़ा प्रसन्न होता। अगले दिन का समय आ गया, राजा आके अपने दरबार में अपनी गद्दी के सिंहासन पर बैठ गए। सबने इशारा कर दिया। जैसे ही दौड़ के गया मच्छरदास, उसने राजा का हाथ पकड़ के और खींच के धक्का दिया। और जैसे ही राजा दरबार में गिरा, वैसे ही राजा के ऊपर एक दीवार थी, उसी गद्दी पे आन गिरी, उसी गद्दी पे आन गिरी। अगर राजा को मच्छरदास नहीं उठाता तो राजा मरता, दीवार उसके ऊपर गिरती, राजा मर सकता था। राजा ये देख के बड़ा अचंभित हुआ और मच्छरदास का अभिनंदन भी करने लगा और एकदम से कहा कि तुम आज से मंत्री नहीं, महामंत्री।
प्रकृति और परमात्मा करते हैं, आपकी निष्ठा विश्वास कितना है। विश्वास ही तो करना है। अगर आप सही राह पे चलते हैं, प्रकृति उसी तरह आपका मार्ग आपको मार्गदर्शन करती है, सही कार्य के प्रति। अगर सही सोच सही समझ है, किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं, किसी के निंदा नहीं करनी, किसी के बारे में द्वेष से नहीं सोचना, जो जिसका उसके भाग्य का है, आपका भाग्य आपके साथ है, दूसरे के भाग्य को ना देखें, अपने भाग्य को देखें, मेरे भाग्य में क्या है, अपना कर्म करते रहें। कर्म का अगर समय मिलता है तो सुंदर कर्म करें, सबसे मीठा बोलें, अच्छा बोलें। प्रेम आपका निश्चल है तो